ये चीज़ें इनकी डाइयाँ होती हैं, जैसे ये मुर्गी हो गई, शिकरा हो गया, खरगोश हो गया, इन चीज़ों की डाइयाँ होती हैं, फिर डाइयों से हम लोग जो है उनको कॉपी करते हैं। ये सीमेंट्स के अंदर भी बनते हैं, प्लास्टर पेरिस में भी बनते हैं, फाइबर ग्लास में भी बनते हैं। अब यहाँ डिस्प्ले के हिसाब से जो है हम लोग ये फ़िलहाल सीमेंट के अंदर और प्लास्टर पेरिस के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं यहाँ पर। और जैसे कोई हमें बोलता है कि यही चीज़ हमें फाइबर्स के अंदर चाहिए, तो हम फाइबर्स के अंदर हम उनको बना के दे देते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम जो है वो फाइबर ग्लास का है, क्योंकि फाइबर ग्लास के अंदर टोटल काम हाथ का होता है। इसमें फाइबर के जो केमिकल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आते हैं, उनके अंदर फिर हम लोग वो और मज़ीद केमिकल मिला के उनको ब्रश के ज़रिए उनको हम डाइयों के अंदर लगाते हैं। उसके बाद फिर वो उनकी ज्वाइंडिंग होती है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो फाइबर ग्लास के अंदर हमने बनाया है, ये हमारा शिकरा 60,000 रुपये का है, सही है। यही अगर हम सीमेंट के अंदर बनाएंगे तो उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये होगी, लेकिन वो उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और उसमें ऐसी फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये टोटल जो है हाथ का काम हुआ है और इस पर जो कलर हुआ है वो स्प्रे पेंट हुआ हुआ है। सर ये फाइबर मेड होता है, ये बाहर से आता है, ये शीशे से बनता है। हम लोग के जो आइटम बने हुए होते हैं ना, गाय, भैंस, घोड़ा या जो भी चीज़ हम लोग बना रहे हैं, वो हम लोग ऐसी जो है ना 4 लहरें यूज़ करते हैं, कहीं 3 और कहीं 4, यानी कि जैसे पैसे हमें मिलते हैं हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे डिस्प्ले के ऊपर चीज़ें रखी हुई ना, वो 4 लहरों में बनी हुई है। जैसे एक लहर ये हो गई, एक लहर ये हो गई, 2 लहरें हो गई, फिर ये 3री लहर हो गई, फिर ये 4थी लहर हो गई। ये 4 लहरों के अंदर हम लोग ये अपने आइटम बनाते हैं। पहला पीस जो होता है ना, पहले पीस के अंदर हमारी मेहनत नहीं निकल पाती, उसकी वजह ये होती है कि एक तो जिस लेवल का हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उस लेवल के ऊपर पैसे देता नहीं है कोई, पहली बात तो ये। हमें खाली मास्टर नहीं बनाना होता, मास्टर के साथ साथ हमें उसकी डाई बनानी होती है, डाई के बाद हमें फिर उसकी कास्टिंग करनी होती है, उस पीस की कास्टिंग करने के बाद उसकी फिनिशिंग करके फिर वो पीस वहाँ तक जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कोई काम 10,000 रुपये का लिया, तो तकरीबन 15,000 रुपये, 5,000 रुपये हमारी जेब से उसके ऊपर पहले पीस के ऊपर लगते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो उसके बाद फिर जब डाई बन जाती है ना, डाई बनने के बाद फिर हम जो उसमें से जो कास्टिंग करते हैं उसमें फिर हमें प्रॉफिट होता है। कराची के अंदर जिनको हम जानते हैं, हमारी जान पहचान के मेरे ख्याल से तकरीबन 3 या 4 लोग हैं जिनको हम जानते हैं कि वो ये आर्ट का काम करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बस थोड़ा थोड़ा सीख के कर रहे हैं काम, कहीं काम मिल गया पकड़ लिया उसको कर लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तो खैर इतनी महंगी नहीं है, कोई 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 इस तरीके से हैं, तो ये तो अमूमन लोकल लोग भी जो है ना अक्सर रख लेते हैं, होटल वाले भी रखते हैं। और उसके अलावा जो बड़े आइटम्स की अगर आप बात करें ना, जैसे कि हमारे शिकरे, हाथी, डायनासोर, गाय, ये चीज़ें, ये वो लोग रखते हैं जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं। बहुत से लोग अपने फार्म हाउस के लिए लेके जाते हैं, बहुत से लोग हमारे आइटम्स ये अपने बंगलों के अंदर भी लगाते हैं जो उनकी जगहें होती हैं। यहाँ पर बड़े लोग भी आते हैं ना, लैंड क्रूजर से भी उतरते हैं, वीगो से भी, तो वो भी ये सोचते हैं कि हम बस फ्री के अंदर लेके चले हैं। सच बात ये तो फिर हम बस बहुत मेहनत करते हैं, यानी कि मेरा मकसद कहने का ये कि हमारी मेहनत का जो है ना सिला हम यहाँ पर नहीं है, नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी जो है अपने मुल्क को नहीं छोड़ना चाहते। हमें बाहर से भी बहुत ऑफ़र आई हैं, बहुत लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि आप सऊदीया चलें, हम आपको ये करेंगे, आप मलेशिया चलें, आप फला जगह चलें, फला जगह चलें। हम उस वक्त भी पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह कमा सकते थे, 1-1.5 लाख रुपये कमाना हमारी फील्ड में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस फील्ड के अंदर यहाँ पर जो है ना इस वक्त हमें 30,000 रुपये भी एक बंदे को कमाना बहुत बड़ा मुश्किल है। कहते हैं फनकार हसास होता है, हमें उनके फ़न की कदर करना चाहिए, उन्हें साजगार माहौल देना चाहिए ताकि तख्लीक की राहें खुलती रहे और फ़न भी फैलता रहे। मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में फ़न की हौसला अफजाई का रिवाज कुछ खास नहीं है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची।